सब्सक्राइब करें इरेज स्टार टीवी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरेज स्टार टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नमाज़ तरावी के वक़्त जलजले के शदीद झटके, कलमा तैयबा की सदाएं। तफसीलात के मुताबिक बुध की रात को मुल्क के कहीं इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि अक्सर जलजलों की जद में रहने वाले बलूचिस्तान के कहीं इलाकों में जलजले के शदीद झटकों ने खौफ वायरस फैला दिया। जलजले के झटके इस कदर शदीद थे कि लोग खौफ ज़दा होकर कलमा तैयबा का विरद करते घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके ऐसे वक़्त में महसूस किए गए जब लोग नमाज तरावी की तैयारी करने में मसरूफ थे। ताहम जलजले के नतीजे में किसी किस्म के नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। बताया गया है कि जलजले की ज्यादा शिद्दत कोयटा, मस्तूनग और बोलान में महसूस की गई। जलजले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज मस्तूनग से 40 किलोमीटर दूर मशरक में और गहराई 25 किलोमीटर थी। गहराई कम होने की वजह से जलजले के झटकों की शिद्दत ज्यादा महसूस हुई। वाज़ह रहे कि बलूचिस्तान के मखसूस इलाके अक्सर जलजलों की जद में रहते हैं। मसलसल आने वाले जलजलों की वजह से इन इलाकों के लोग मसलसल खौफ की फिजा में रहने पर मजबूर हैं। दोस्तों आप अपनी राय का इजहार इस खबर के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने जलजले के झटके महसूस किए हैं अपने इलाके में तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने आसपास का ढेर सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।